हेलो दोस्तों टॉपर्स के चैनल में आपका स्वागत है मैं तिलक शर्मा आज की इस क्लास में उपस्थित हूं आपके सामने लास्ट के ट्वेल्व डेज की स्ट्रेटजी को लेकर तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जैसा कि आज 10 अगस्त हो चुकी है और 10 अगस्त से देखें तो हमारे पास बारह दिन बचते हैं बारह दिन हमारे पास बचे हैं और लास्ट के बारह दिन में हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखनी है अगर हम अभी भी डाउन पड़ रहे हैं और लग रहा है कि हमारे एग्जाम में स्कोर नहीं हो पाएगा या फिर टेस्ट सीरीज में हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है तो लास्ट के बारह दिन आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो लास्ट के बारह दिन की अगर हम बात करें तो ये लास्ट के बारह दिन की जो पढ़ाई है ये बारह मंथ की पढ़ाई के इक्विवेलेंट होगी अगर आपने लास्ट के बारह दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज लास्ट के ट्वेल्व डेज की अगर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो लास्ट के ट्वेल्व डेज है हमें इसमें आराम नहीं करना है और डेली के लगभग बारह से चौदह घंटे निकालने हैं सेल्फ स्टडी के लिए किसके लिए निकालने हैं सेल्फ स्टडी के लिए इसमें हमें कहीं इधर उधर घूमना फिरना नहीं है ना ही हमें किसी भी कोचिंग के पीछे पड़ जाना है कि नहीं हम इसके सारे लेक्चर देख लेंगे या फिर हम इसके सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो लास्ट के बारह दिन आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से आपके वीक पॉइंट है और उन पर काम कैसे किया जाए जैसा कि हमारे चैनल पे भी अभी कोर्स चल रहा है जिसमें आपको डेली कराए जाते हैं तो वहां से आप आपने दस कॉन्सेप्ट को रिब्रस कर सकते हैं वो आपके जो दस एम हैं वो जुड़े हुए हैं दस कॉन्सेप्ट के साथ में जितने भी ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है एग्जाम में बेनिफिट देगा तो लास्ट के बारह दिन में हमें बस ये ध्यान में रखना है हमें अपने आप को शांत रखना है दूसरी चीज आपको एग्जाम के एक दिन पहले तक यह विश्वास होना चाहिए कि आपका तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा तो सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप पे विश्वास रखना है और लास्ट के बारह दिन हमें अपना सब कुछ झोंक देना है इस एग्जाम के लिए तो अगर हम बात करते हैं कि हमें फोकस करना है किस पर सेल्फ स्टडी पर और सेल्फ स्टडी के साथ ही साथ हमें टेस्ट पर बहुत ज्यादा आपका नहीं हमें ध्यान देना है कि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा लेंगे तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है आपको लास्ट के बारह दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो तो टेस्ट लगाने हैं फुल सिलेबस के दो टेस्ट लगाने हैं आपको फुल सिलेबस के ठीक है तो दो टेस्ट आप जो भी पांच पांच दिन के अंतर पे आप शेड्यूल करो दो टेस्ट लगाइए उसके साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में या जीएस और हिंदी के सेक्शन में जितना ज्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए क्या होगा एग्जाम में बेनिफिशियल होगा सबसे बड़ी चीज आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा अगर आपको विश्वास है तो फिर आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस 99 आपका क्या है एकदम से sure होते हैं तो आज की इस क्लास में हमने लास्ट के ट्वेल्व डेज की स्ट्रेटजी को हमने डिस्कस किया इसी के साथ आप फॉलो करते रहिए हमारे चैनल जो आपका दस कदम चल रहा है अभी उस बैच को उसमें आपका डेली टेन एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे जो कि आपका रिलेट करेंगे दस कॉन्सेप्ट के साथ में और उन दस कॉन्सेप्ट के अगर आप दिन में सौ क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच